स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास टेंथ साइंस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज बहुत ही धुआंधार तरीके से चल रहा है। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। फिजिक्स का प्रत्येक चैप्टर से जितना भी ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर करा दिया। और उसके बाद से केमिस्ट्री पर भीड़ करके मैंने पूरा का पूरा केमिस्ट्री का प्रत्येक चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया ऑनलाइनर। और आज कि इस वीडियो में बायोलॉजी का ये तीसरा लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद से चौथा लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद से द एंड हो जाएगा। पूरा साइंस का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जितना भी था हम अपने तरफ से करा दिए हैं। पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन डाले हैं। इसको विद्यार्थी कोई अगर आप लोग हल्के में लेते हैं तो ये आपकी गलती है। वहाँ पर जाकर के आप पछताने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जो है ना, इस वीडियो को जो है ना कि एकदम ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना, और प्रत्येक क्वेश्चन को याद करके दिमाग में फिट कर लेना है ताकि एग्जाम में जैसे ही जाएंगे प्रश्न देखते ही आंसर लगा के आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये बायोलॉजी का तीसरा लेसन है। क्या है? बायोलॉजी का तीसरा लेसन है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर है कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में नलिका निकलती है। तो भाई मुकुलन में, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे कि पराग कोष में क्या पाए जाते हैं। तो मेरे भाई परागकण पाए जाते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बस ध्यान रखना है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं भाई? तो अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर कहिए, अंडाशय कहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं पराग कोष, ठीक है। उसके बाद से आगे जो प्रश्न है वो है, देखिए ये वन लाइनर है और वन लाइनर कराने के बाद हम अगर आप लोग मान के चलिए कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो हम लोग लाइव कराएंगे ना जी। मान के चलिए कि अभी SST भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी है, पूरा साइंस माने वैकल्पिक हम लोग लाइव आप लोगों के बीच आ जाएंगे क्लास टेंथ वालों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग टेंथ वाले लाइव के लिए आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना, और बताइए कि हाँ लाइव हम लोग लें तो फिर बिल्कुल हम लोग डेफिनेटली जो है ना कि हम लोग लाइव आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम वैकल्पिक तरीके से हम लोग आपसे लाइव करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो भाई ये पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। अगला प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है। तो फल बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से भाई क्या बनता है। तो भाई जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है ना। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो भाई 14वें दिन, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, मासिक चक्र कितने दिनों तक चलता है। तो 28 दिनों तक चलता है, ठीक है। उसके बाद से मान के चलिए कि फैलोपियन नलिका में शुक्राणुओं की गति कितनी होती है। तो 100 माइक्रोन प्रति मिनट, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर है अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्राणु फैलोपियन नलिका में कब तक जीवित रहते हैं। तो भाई 12 घंटे तक जीवित रहते हैं, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद से पादपों में निषेचन की क्रिया होती है बीजांड के भीतर, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं। तो भाई निषेचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो है, पराग कोष में होते हैं तो पराग कण होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, बट डोंट माइंड। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है, यानी पुष्पी पादपों के द्वारा होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न देख लेंगे कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, ठीक है, पूर्ण जोड़ा XX, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है तो ईस्ट में। पुष्प का नर भाग होता है पुमंग, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय, अंडाणु निषेचित होता है गर्भाशय में। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा कि स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं मासिक चक्र। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, ठीक है ना। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है अपखंडन। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ,
एकलिंगी पुष्पी पादप गुड़हल का जो है ना फूल होता है, ये पपीता है। तो मान के चलिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देता है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो भाई पपीता उसमें ऑप्शन रहेगा, आप लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी भाई, तो ट्रैमले ने की थी। और आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है, और बहुत ही जल्दी और झटपट एकदम जो है ना मैं लेकर के आप सभी को इस एपिसोड को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर है, और उस चैप्टर के बाद क्या होगा आपका पूरा का पूरा जो है ना साइंस का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से जो है ना कि मैं बहुत जल्दी जो है ना कि वैकल्पिक लेकर के आऊँगा, जब आप कमेंट करेंगे तब। अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो भाई अपखंडन के द्वारा होता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा हो तो आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।